दोस्त आज मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे अगर तुम्हारे वीडियो पर 10 से 20 व्यूज आता है तो तुम्हारा हर वीडियो पर व्यूज 100 के पार चला जाएगा और मैं इसकी पूरी गारंटी देता हूं। और अगर तुम्हारा वीडियो काफी ज्यादा एंगेजिंग हुआ तो तुम्हारा वीडियो वायरल भी हो सकता है। और वीडियो के अंत में मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे फॉलो किए बिना कोई भी टिप्स वर्क नहीं करेगा, तो 2 मिनट की इस वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो में बहुत ज्यादा जानकारी मिलने वाली है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त तुम वीडियो को अपलोड करना तो जानते ही होगे, तो तुम अपने वीडियो को हमेशा गूगल क्रोम से ही अपलोड करना, और अगर अपलोड करना नहीं आता है तो कमेंट कर देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। और वीडियो को अपलोड करते वक्त तुमको वहां नीचे साइड में शो मोर का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद नीचे में तुम्हें 2 और ऑप्शन मिलेगा, पहला वीडियो लैंग्वेज का और दूसरा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज का। तो दोनों जगह तुम इंग्लिश को ही चूज करना, तुम्हारे वीडियो चाहे जिस भी लैंग्वेज में हो तुमको हमेशा इंग्लिश को ही चूज करना है, क्योंकि हर यूट्यूब ऐप का डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश होता है और जो लोग हिंदी वीडियो देखता है उसका भी डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही होता है। और 99% लोग ऐसा ही है जो कभी भी यूट्यूब का डिफॉल्ट लैंग्वेज चेंज नहीं करता है, और शायद तुमने भी नहीं किया होगा। तो तुम हमेशा लैंग्वेज को इंग्लिश में ही रखना, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम इंग्लिश को आसानी से जज कर लेता है कि वीडियो किस टाइप का है, किस कैटेगरी का है और उसे किस लोगों तक पहुँचाना है। और मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अंत में मैं तुम्हें एक टिप्स दूंगा जिसे तुम जरूर फॉलो करना। तुम्हें वीडियो पर व्यूज बढ़ाने के लिए वीडियो के थंबनेल को काफी अट्रैक्टिव बनाना होगा, क्योंकि लैंग्वेज इंग्लिश रखने से तुम्हारा वीडियो तो लोगों के पास चला जाएगा, लेकिन अगर उसका थंबनेल अच्छा नहीं हुआ तो लोग उस पर क्लिक नहीं करेगा और व्यूज इंक्रीज नहीं होगा। तो तुम हमेशा अपनी वीडियो के लिए अच्छे से थंबनेल का यूज करना, और अगर थंबनेल बनाना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहां जाकर तुम देख सकते हो कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है। थंबनेल बनाने के लिए बहुत सारा एप्लीकेशन है जिसमें पिक्सा लैब के साथ तुम बहुत ही आसानी से थंबनेल बना सकते हो, लेकिन थंबनेल बनाने में जो लॉजिक का यूज होता है उसे समझना बहुत जरूरी होता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लो, तुमको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी।